नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए क्लास टेंथ में भोजन परोसने और पकाने की विधियों का चैप्टर चल रहा था। इसी में आपका ये भी चैप्टर है। कुछ बच्चे कहे थे ये चैप्टर को मैम इसको फिनिश कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिया है कि भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और इसके साथ साथ भोजन में हमारी दाल और सब्जियों का क्या महत्व है और खाद्य पदार्थ यानी जो हमारे भोज पदार्थ होते हैं इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे इनको हम बचा करके साल भर रख सकते हैं और वो बिना मौसम के भी हम हमारे पास वो उपलब्ध हो। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं। तो भोजन परोसने की विधियाँ ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर भोजन परोसना क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है भोजन परोसना क्या है, कला है विज्ञान है कि दोनों है। तो भोजन परोसना एक कला है क्योंकि जितना ही महत्व भोजन पकाने का होता है उतना ही इससे ज़्यादा महत्व भोजन परोसने में भी होता है। यदि आपका भोजन कितना भी अच्छे से आपने बनाया है, टेस्टी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से परोसा नहीं गया, सिस्टमैटिक तरीके से उचित तरीके से उचित बर्तनों में नहीं परोसा गया, तो वो भोजन देखने में जब अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है, तो खाने के लिए मन उधर उधर से हट जाता है, मन वहाँ से विचलित हो जाता है। इसीलिए भोजन परोसने को भी एक कला के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी इसका मतलब होता है कि भोजन को उचित ढंग से प्रस्तुत करना, भोजन को उचित ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत करना ही भोजन का परोसना कहलाता है। अब आते हैं भोजन को कैसे कैसे परोस सकते हैं, तो भोजन किस लिए परोसा जाता है, किस लिए अच्छे तरीके से, तो भोजन को आकर्षक तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से और कलात्मक ढंग से परोसा जाता है। आकर्षक का मतलब जिसका खाने का थोड़ा कम भी मन करे तब भी वो क्या करे, वो उसको खाने के लिए उसका मन उधर मतलब हट उधर उसका मन जाने लगे और लालच सी आने लगे, इसीलिए इस तरह से भोजन को हम आकर्षक तरीके से प्रस्तुत या परोसते हैं। रुचिपूर्ण मतलब है कि रुचिपूर्ण मतलब जो खाने वाला है उसको भोजन क्या है कि उसको उस चीज़ में रुचि हो जाए, वो खाने में उसका मन करे खाने का, नहीं तो अगर मेरा मन नहीं, मैं इसने को नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद है इस तरीके से, लेकिन आप इस तरह से परोसेंगे, इस तरह से उसको सर्व करेंगे कि उसका मन ऑटोमेटिक रुचिपूर्ण तरीके से उस तरफ आकर्षित हो जाए, ठीक है। और कलात्मक का मतलब कि उचित तरीका है, उचित बर्तन है, जैसे कि आपके बर्तन छोटे कटोरी, बड़ी कटोरी, प्लेट, थाली, गिलास, चम्मच, फोक, इन सब चीज़ों से यदि भोजन को परोसा जाता है तो इसको बोलते हैं कलात्मक तरीके से। तो तीन शब्द याद रखना, भोजन को आकर्षक, रुचिपूर्ण और कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना ही भोजन का परोसना कहलाता है। भोजन को आकर्षक, रुचिपूर्ण और क्या है कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, एक भोजन का परोसना कहलाता है। भोजन परोसना एक कला होती है। अब आता है हमारा भोजन को परोसने के क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये आपका दो नंबर या चार नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अति लघु और लघु में। अब भोजन परोसने के लिए क्या क्या ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले किचन में रहें तो अपने बालों को बांध कर रखें जिससे बाल आप भोजन में ना पड़े, कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए और इसके साथ उचित बर्तन यानी जो आपकी खीर है कटोरी में और दाल है कटोरी में और चम्मच उसके साथ लगाएं, छोटी प्लेट में आप सलाद रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, यानी इस तरह से आप जितने भी आपके भोजन हो उतने ही में आप अलग अलग कटोरी प्लेट में सर्व करें, ये भी एक तरीका है। और इसके साथ साथ चम्मच फोक भी लगाना ना बोले जैसा भोजन हो, और शुरू में नमकीन भोजन देना चाहिए और लास्ट में मीठा भोजन देना चाहिए, शुरू में नमकीन भोजन देना चाहिए और लास्ट में मीठा भोजन देना चाहिए। और जहाँ पर भोजन परोसा जाए वहाँ पर नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छे तरीके से
यानी एक यहाँ पे एक हमारी सभ्यता या संस्कृति भी जुड़ी होती है कि यदि भोजन परोसने वाले का मन कह सकते हैं कि बोर हो जाए खाना बनाते बनाते और एक बेढंगे तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो खाने वाले का जो मन भी है वो तो क्या हो जाएगा, वहाँ से कितना भी अच्छे से परोसा है वहाँ से विचलित हो जाता है। इसीलिए भोजन को भी जितना मन से पकाया जाए उतने ही मन से परोसना भी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि वो सामने वाले के मन पर मूड पर निर्भर करता है कि आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा आप भोजन को देंगे उसी हिसाब से वो भोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जैसा मन वैसा तन, और यदि मन अच्छा रहेगा तो उस शरीर में भी आपके जो भोजन देंगे घर के लोगों को वो तन में भी लगेगा। तो ये हमें ध्यान देने योग्य बातें। अब आता है भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो भोजन परोसने की मुख्य रूप से तीन विधियाँ होती हैं, देशी विधि, विदेशी विधि और बुफे विधि। वैसे सभी लोग परिचित हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए लिख देती हूँ कि एग्जाम टाइम बस आपको वो सब दिमाग में चले और उसी से आप सेंटेंस बना के लिख दें, नहीं तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ा करके आप लिखेंगे एक सेंटेंस को पूरा कर दें तो इतना ही आपके लिए इनफ है। तो देसी विधि का मतलब है इसमें जमीन पर बैठ करके खाते हैं, अलथी पलथी मार के बैठ के खाते हैं, एक चटाई बिछा करके या आसन रख करके उस पर खाया जाता है, कुल मिला के जमीन पर खाया जाता है भोजन को। और इसमें बर्तन, अभी मैंने आपको बर्तन के बारे में बताया कि कटोरी, गिलास, प्लेट, चम्मच, थाली, ये जैसे जो चीज़ें हैं, गीली चीज़ें हैं, सूखी चीज़ें हैं, उसी हिसाब से हमें कटोरी प्लेट का उपयोग करना चाहिए जिससे खाने वाले का मन आकर्षित हो सके। और साफ़ सफाई, यानी जहाँ पे भोजन को परोसे वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छे ढंग से परोसा हुआ हो, और जिससे सारी चीज़ें इस तरह से रखी गई हों कि वो आपस में ना मिले और वो सही तरीके से देखने में सुंदर लगे। ये होता है आपकी देसी विधि। देसी विधि में भोजन परोसने वाला भोजन को लाला करके देता है और ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण करता है, और इसमें भोजन को इकट्ठे नहीं परोसा जाता है बल्कि जैसे जितना जिसकी ज़रूरत होती है दो या तीन बार में भोजन को, चार रोटी आप खाता है व्यक्ति तो चार रोटी ना परोस करके एक रोटी या दो रोटी देते हैं और धीरे धीरे उसकी जैसे मांगते जाते हैं वैसे देते जाते हैं। तो ये होता है कि इसमें देने वाला जो है एक्टिव रहता है और भोजन को देता जाता है और खाने वाले मांगते जाते हैं। तो यानी यहाँ पर अपने आप नहीं लेना होता है बल्कि यहाँ पर देने वाले जो होस्ट होता है वो गेस्ट को भोजन को खिलाता है। ये हमारी देशी विधि होती है। दूसरा आता है विदेशी विधि। विदेशी विधि में होता है कि जो भोजन होता है जमीन पे ना खा करके बल्कि टेबल पर खाया जाता है, मेज पर खाया जाता है, और उसमें भोजन को अलग अलग थाली में नहीं परोसते हैं बल्कि एक साथ डोंगे में रख करके, बाउल में रख करके भोजन को एक साथ रख दिया जाता है और एक साथ सभी लोगों को उसी टेबल पर दे दिया जाता है, और जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ती है उस डोंगे से या उस बाउल से उस चीज़ को वहाँ पे ले लेता है। ये हमारी विदेशी विधि होती है। इसमें जो होस्ट होता है उसको बर्डन नहीं होता है, कम टाइम में अधिक से अधिक लोग खा लेते हैं, और इसमें भोजन को इकट्ठा एक जगह पर रख करके परोसा जाता है और आवश्यकता अनुसार लोग जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस बाउल से लेते रहते हैं। तो ये आपका आसन पर है, ये आपका मेज पर है। तीसरा आता है बुफे विधि। बुफे विधि में क्या होता है, ये आपके विशेष अवसर, विशेष उत्सव होता है वहाँ पर आपका, जिसको हम गांव में बफर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें ना तो भोजन खड़े, ना तो भोजन आपका जमीन पे खाया जाता है, ना तो भोजन मेज पर खाया जाता है, बल्कि भोजन को खड़े होकर खाते हैं, प्लेट को एक बाएं हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ से खाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ये आपका बफर सिस्टम कहलाता है। और इसमें भोजन ना तो मेज पर रखते हैं और ना तो आपको जमीन कोई लेके खिलाता है बल्कि डोंगे में सारी सजी होती है लाइन पे, और जैसे इसको आवश्यकता पड़ती है वो हर टेबल पर जाता जाता है और अपने आप आवश्यकता अनुसार चीज़ों को निकालता जाता है उसमें से। ये हमारी बफर सिस्टम होती है, लेकिन ये काफ़ी कह सकते हैं महंगी भी होती है और काफ़ी लोगों को सूटेबल भी नहीं होता खाने के लिए, क्योंकि खड़े होके खाना भी उचित नहीं होता है। तो जैसे जो हमारी
विधि है, देसी विधि ये वैसे सबसे अच्छी है भोजन को पचाने में भी, और इससे आप भोजन ये जो आसन में खा के बैठ के खाते हैं ये आप भोजन कम भी खाते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं खा पाते हैं। तो ये आपका हो गया। और विशेष अवसर पर करते हैं स्वयं भोजन को परोसते हैं, प्लस इसमें जो जल वाला होता है इसके लिए अलग मेज होती है, यानी इसमें एक साथ नहीं होती बल्कि साइड में लगी होती है, जिससे वहाँ पर लोग जा करके पानी पी लें और हाथ को धुल लें। तो आपको पता चल गया होगा कितनी विधि हुई, 3 विधि, कौन सी, देशी विधि, विदेशी विधि और बुफे विधि। अब आता है हमारा भोजन में दालों और सब्जियों का क्या महत्व है। तो देखिए हमारे लिए दाल और सब्जी दोनों का महत्व है, बिना दाल के भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होगी। तो दाल एक वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला एक पोषक तत्व है जिसका नाम है प्रोटीन, यानी दालों के खाने से हमें प्रोटीन नाम का पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। और सब्जियां ये हमारे खनिज लवण, जिसको हमें सब्जियों से क्या मिलता है, खनिज लवण मिलता है, और ये रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। और जो प्रोटीन होता है ये हमारे दाल जो होता है हमारे शरीर का निर्माण करने का काम करता है, ठीक है। तो ये शरीर का निर्माण करता है और ये हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है सब्जियां, और ये शरीर का निर्माण और मरम्मत दोनों काम करता है। और ये हमारा जो सब्जी होती है इसमें रेशे पाए जाते हैं, ये रेशे जिसको कब्ज हुआ रहता है, जिसका भोजन सही तरीके से नहीं पचता है, इसमें सब्जियों में जो रेशे पाए जाते हैं ये हमारी आंतों को साफ रखने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब है आवश्यकता पड़ने पर यदि हम कार्बोहाइड्रेट हमारे पास नहीं है हमारे शरीर में और वसा नहीं है, तो आवश्यकता पड़ने पर ये अपना निर्माण का काम छोड़ करके क्या करता है, यानी ये शरीर को बनाने का काम छोड़ करके ये क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करने लगता है, जिससे हम अपने काम को लगातार कर सकें। तब ये अपना निर्माण का काम यानी अपनी बॉडी बनाने का काम बंद कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारी सब्जी होती है हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन रखता है। अम्ल का मतलब कि 7 से जो कम होता है रेशियो, किसका पावर ऑफ हाइड्रेट, इसको पीएच कहते हैं, तो 7 से कम होता है तो वो चीज़ क्या होती है, अम्लीय होती है। 7 से अधिक होता है वो चीज़ें क्षारीय होती है। तो अम्ल क्षार भी हमारे शरीर में होता है, यदि इसका डिसबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में पेन भी शुरू हो जाता है और भी अन्य समस्याएं आती हैं। तो ये हमारी सब्जियों को खाने से हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन बना रहता है। यदि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐठन हो रही है, क्रैम्प हो रही है, तो उस समय नमक घोल करके और नमक और नींबू चीनी घोल करके पी लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम करता है, ये मेरा अपना अनुभव ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसके साथ साथ सब्जियाँ हमारी शारीरिक ताप पर नियंत्रण रखने का भी काम करती है। देखिए बच्चों, ये जो यदि आप हमारे से जुड़े होंगे, लगातार हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे, क्लास 10 इसके पहले कोरोना काल में मैंने बनाया था वीडियो, वहां से भी यदि आप देखते आए होंगे तो आपका मार्क्स 100% अच्छा जाएगा और अच्छा गेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं लिखने के तरीके भी आपको बताती हूँ कि आपने एग्जाम में कैसे अच्छा लिख करके अपना अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके इसका लाभ घर बैठे ले सके। अब आता है हमारा कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सुखाकर, तेल द्वारा उबाल कर, ठंडा रख करके, चाशनी के द्वारा, विकिरण के द्वारा और रासायनिक पदार्थों के द्वारा। अब आता है सुखाकर, जैसे कोई चीज हमारी होती है, धनिया हुआ, मेथी हुआ, पालक हुआ, तो अगर इसका सीजन ना हो तो हम अगर इसका स्वाद लेना चाहें तो इसको सुखा कर रख सकते हैं अच्छे से, और ये हम या इसका समय ना होने पर भी ये सूखी हुई जो पत्तियां होती हैं इसका हम उपयोग कर सकते हैं और वो स्वाद उस भोज्य पदार्थ में ला सकते हैं। इसी को बोलते हैं सुखा कर, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ों की पत्तियों को सुखा करके, सब्जियों को, गोभियों को, गोभी को सुखा करके हम उसके बिन मौसम में उसको मित बनाए उसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं। अब आता है तेल द्वारा, नमक द्वारा और सिरका के द्वारा। तेल, नमक, सिरका का प्रयोग
हम अचार बनाने में, अलग अलग अचार बनाने में, गोभी सूरन या आम और गोभी, अगर भी कटहल, ये सब चीज़ें हैं, इनका भी अचार हम ये नमक तेल और सिरका का प्रयोग करके बना सकते हैं और साल भर रख सकते हैं। ये हमारे लिए सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि ये नमक तेल सिरका ये बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं, सड़ने से बचाने का काम करते हैं, एंजाइम की क्रिया को रोकने का काम करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है उबाल कर, कुछ चीज़ें उबाल करके सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे आपका दूध हुआ उबाल के रख सकते हैं, और भी अन्य चीज़ें हैं जो उबाल करके सुखा करके आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चाशनी के द्वारा, चाशनी के द्वारा यानी हम चीनी और गुड़ की चाशनी बना करके उसमें भोज पदार्थों को डाल करके पका देते हैं तो वो भी साल भर आपका चलता है। जैसे मुरब्बा बनाते हैं, अचार मीठा बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो ये सब क्या है, इन सब का प्रयोग हम चाशनी यानी चीनी घोल करके उसको पका करके इसमें इन पदार्थों को, यानी जिस चीज़ का मुझे मुरब्बा बनाना हो, आंवले का मुरब्बा और ये बेल का मुरब्बा, जिस भी चीज़ का है उसमें पका देते हैं तो वो चाशनी में काफ़ी मतलब 2 साल 1 साल चल जाता है और उसको हम बिना मौसम के भी प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा रख करके, अब देखिए हम फ्रिज में चीज़ों को ठंडा रखते हैं, फ्रिज में रख करके आप सब्जी फल दूध दही इसलिए जो क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को हम रख करके कुछ दिनों तक रख सकते हैं और जिससे हम सड़ने से उसकी बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है फ्रिज, तो इससे हम कुछ समय तक उसको रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें खराब नहीं होगा, खराब उसमें भी हो जाएगा, एक टाइम के बाद उसमें भी खराब होने लगेंगे, इसीलिए है 2-3-4 दिन के लिए आप अच्छे से रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक यानी हमें बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोइक एसिड, इन सब का प्रयोग करके हम जो है अचार को, मुरब्बा को जैम में यदि हम डालते हैं तो हमारा काफ़ी दिन तक टिकाऊ रहता है और ये खराब नहीं होते हैं। यानी हम केमिकल को डाल करके भी हम अपने भोज पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। अब आता है हमारा विकिरण। अब विकिरण में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज, क्या होता है कोल्ड स्टोरेज होता है, इसमें हम सब्जियों को फलों को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है उसमें, तो उससे क्या होता है उसकी विकिरण के द्वारा जो हमारी सब्जियां जमने लगती है उसमें अंकुरित आने लगता है, उसको उसमें अंकुरण ना है, जिस टेम्परेचर पे हम उसको रखें उसी टेम्परेचर में वो हमारा आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ बना रहे, यानी वो अंकुरित ना होने पाए, खराब ना होने पाए और उसमें कई चीज़ें होती हैं वो खराब ना होने पाए, इससे बचाने के लिए विकिरण का प्रयोग करते हैं। देसी भाषा में कहते हैं सब्जियों को यानी आलू या प्याज होता जमने लगती हैं उसमें, तो इनको बचाने के लिए हम विकिरण का प्रयोग करते हैं, यानी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता भी है, ऐसे फल मांस अंडा इन सब से इन सब को भी हम वहाँ पर सुरक्षित संरक्षित रख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षण रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, तो आप बता सकेंगे अब आप क्या है, सुखा कर, तेल नमक सिरके के द्वारा, उबाल कर, चाशनी द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, विकिरण के द्वारा और ठंडा रखने के द्वारा। तो ये सब मेथड होते हैं क्या, ये सब हमारे मेथड होते हैं भोज पदार्थों को सुरक्षित रखने का। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन जाएगा सब्जियों में क्या पाया जाता है, सब्जियों में हमारे खनिज लवण पाए जाते हैं, क्या काम करता है, रोगों से रक्षा करने का काम करता है और हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन रखता है। दाल में क्या पाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, दाल में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर का निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, अब हमें है भोजन परोसने की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है, देशी विधि, विदेशी विधि और हमारा बुफे विधि होती है, और ये सब चीजें आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपके लिए हम लेके आएंगे रोगी के लिए क्या आहार होता है, अच्छा 10 का पॉइंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। और ये पहली वीडियो हमारी देखिए वो तो हमारे क्लास 10th की वीडियो में जरूर जाइएगा, वहाँ से आप अपने संबंधित कंटेंट वहाँ से देख सकते हैं और सारी बातें आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वही कमेंट आपको और मेहनत करने के लिए, आपके लिए और कुछ नया लाने के लिए एक ऊर्जा देता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।